वैशाली जिले के महुआ में कपड़े के दुकान में लगी आग से दो लोगों की हो गई मौत। दोनों दुकान के अंदर सो रहे थे, इसी दौरान यह अग्निकांड की हादसा हुई और मौके पर ही वे झुलस गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। घटना बोतला चौक की है। मंगलवार की अहले सुबह आसपास के लोगों ने दुकान से आग की लपटें निकलते देख मौके पर पहुंचे। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलने के बाद महुआ थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। जमुई के खैरा में निजी क्लिनिक में पथरी का ऑपरेशन करने के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजन ने ग्रामीणों के साथ क्लिनिक में जमकर बवाल किया, तोड़फोड़ की घटना की। आगजनी की भी घटना यहां की गई। घटना के बाद चिकित्सक एवं कंपाउंडर वहां से भाग निकले। परिजनों ने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क पर शव रख कर लगातार कई घंटे तक प्रदर्शन किया और सड़क को भी जाम कर दिया गया। राजधानी पटना में बेखौफ अपराध कर्मियों ने 10वीं के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार की सुबह की यह घटना है। रेलवे क्वार्टर से छात्र का शव बरामद किया गया है। घटना दीघा थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी की है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। दीघा थाना पुलिस ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मोतिहारी में हिंदू नवजागरण मंच के तत्वाधान में नगर के छतौनी चौक से एक अति आकर्षक पर्यावरण बचाओ साइकिल यात्रा निकाली गई। दिनेश कुमार एवं त्रिलोकी प्रसाद के संयुक्त नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। शिवदाहा में भूमाफियाओं ने नाजायज ढंग से पिता की संपत्ति को अपने पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराया। दाखिल खारिज रोकने के लिए अंचल प्रशासन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। अमित शाह ने फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसे विरोध करना है करे, वापस नहीं होगा सीएए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को उन्हें चेतावनी दी है। कहा है कि जिसको विरोध करना है करे, लेकिन सीएए वापस नहीं होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 घंटे के इंतजार के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि वह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लाइन में खड़े हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, अपना नामांकन पत्र भरने का इंतजार कर रहा हूं। मेरा टोकन नंबर 45 है। यहां नामांकन दाखिल करने के लिए अनेक लोग हैं। मुझे खुशी है कि इतने अधिक लोग लोकतंत्र में भागीदारी कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एसटीएस के सदस्यों ने मंगलवार तड़के उत्तर कोलकाता से करीब 105 करोड़ रुपए कीमत की 25 किलोग्राम 255 ग्राम हीरोइन जब्त कर ली है। सप्लायरों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधियों के नाम मौलाना फयाद्दीन 49 और जुबैर 40 है। इसमें जुबैर उत्तर प्रदेश के भवानी पूर्वी एवं मौलाना फयाउद्दीन मणिपुर के थौबल के रहने वाला है। दोनों के खिलाफ एनडीपीसीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंगेर में बनी हिंदी फिल्म लाल के पोस्टर, गानों एवं ट्रेलर का विमोचन किया गया। इस मौके पर स्थानीय पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। मुंगेर के जमालपुर स्थित गायत्री नगर के एक विवाह भवन में मुंगेर में बनी हिंदी फिल्म लाल के पोस्टर, गानों एवं ट्रेलर का विमोचन फिल्म के कलाकारों एवं गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। इस फिल्म का निर्माण मुंगेर में ही किया गया है, जिस पर करीब 35 लाख रुपए खर्च किया गया है। इस फिल्म को नक्सलवाद और सरकार की विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।